हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी को हाफ नेट वाली ब्लाउज़ में डिज़ाइन बना के दिखाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने सबसे पहले ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है, दोनों फ्रंट और बैक दोनों में, और मैं इसमें बोट नेक बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने फ्रंट और बैक की कटिंग सबसे पहले मैंने कर ली है। अब इसमें मैं गले की लंबाई ले रही हूँ, जो हमारा आगे का गला होता है मैं उसकी लंबाई ले रही हूँ। तो इसकी लंबाई मैंने 6 इंच रखी है, आप 6.5 इंच भी रख सकते हैं, 7 इंच भी रख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे अपने लिए 6 इंच का रखा है। तो मैंने 6 इंच गले की लंबाई रख के उसको थोड़ा सा नीचे से वी शेप दे के, और उसके मैंने अच्छे से चौक से निशान लगा लिया है उसके। तो आप देख सकते हैं मैंने हल्का सा, आप वी गला भी बोल सकते हैं इसको, पान गला भी बोल सकते हो। तो मैंने दोनों, तो मैंने उस तरीके से अच्छे से इसमें जो है निशान लगा के तैयार कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो जहाँ पे हमने गले का निशान लगाया हुआ है, वहीं फिर से हम यहाँ से 6 इंच और शोल्डर की साइड से 5 इंच लेके उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर दी है। तो मैंने सबसे पहले मेन फैब्रिक की कटिंग कर दी है। आप सबसे पहले अस्तर पे कटिंग कर लें, ताकि हो सके, मतलब अगर ना सही बने तो अस्तर दूसरा भी यूज हो सकता है। मेन फैब्रिक हमारा अगर रहेगा तो वो ख़राब हो जाएगा, जिसके लिए आप सबसे पहले अस्तर पे कटिंग इसी तरीके से करें जैसे हमने मेन फैब्रिक पे किया है। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे जो नेट हमें यूज़ करना है, तो मैं उसमें गोल्डन कलर का जो उसमें मेरे नेट में फूल बना हुआ है, तो मैं उस नेट को यूज़ कर रही हूँ। गोल्डन कलर का मेरा नेट भी है, तो नेट को मैं ना जो है आधे आधे इंच बड़ा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा बाद में बचेगा उसको मैं छाड़ दूँगी, क्योंकि मैं अलग से जो भी कपड़ा लगाया जाता है ना, उसको आधे आधे इंच बड़ा लिया जाता है, भले ही उसको हम बाद में छाँट दें ताकि वो हमारा छोटा ना हो। इसीलिए हम इसमें सब जो है आधे आधे इंच जो है मैंने कपड़े को, जो नेट हमारा है उसको मैंने एक्स्ट्रा काट लिया है। आप देख सकते हैं मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ। तो हमें ना फ्रंट और बैक में सेम डिज़ाइन रखनी है। तो ये मैंने सबसे पहले मैं अपने फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं फ्रंट में ही डिज़ाइन बनाऊँगी। तो मैं फ्रंट की सबसे पहले कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं कप वाला ब्लाउज़ बना रही हूँ, तो जिसके लिए मैंने ये कटिंग कर ली है नेट की। आप देख सकते हैं कि नीचे से जो पान गला या बी गला जो भी बोल सकते हैं वो अच्छे से बन चुका है, वैसे मैंने नेट की भी कटिंग कर ली है। अब यहाँ मैं जो नेट पे गला बनाना है मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ। तो गले की चौड़ाई हमने 4 इंच ले ली है, और उसकी लंबाई हम 3.5 इंच रख रहे हैं। आप चाहे तो 4 इंच भी ले सकते हैं, 4 इंच या 4.5 इंच, इससे ज़्यादा बोटनिंग नहीं बनता है। तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच ही रख रही हूँ, तो क्योंकि मुझे ज़्यादा गहरा गला नहीं बनाना है। और 1.5 इंच मैं जो लाइनिंग हम वो करते हैं ना, एरो वाली लाइन बनाते हैं, एरो वाली, उसको हम 1.5 इंच पे बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो बोटनेक का गला है ना, उसको अगर वो गोल तरीके से बन जाता है तो ना अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए मैं इस पर 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो ये हमारा बोटनेक का जो शेप होगा ना, बहुत ही अच्छे से आएगा। आप देख सकते हैं कि मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने बोटनेक का निशान लगा के और मैं जो है नेट की कटिंग कर रही हूँ। तो ये हमारे नेट की कटिंग अच्छे से हो चुकी है। तो हम इसी तरीके जो अपना फ्रंट है, बैक है, दोनों तैयार करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं फ्रंट वाला जो हमारा नेट है मैंने उसकी कटिंग कर ली है, और उसको मैं अपने जो मेन फैब्रिक है उस पर रख के चेक कर रही हूँ। तो प्यारा लग रहा है दिखने में, आप देख सकते हैं वो अच्छा भी लग रहा है दिखने में। तो हम इसी तरीके से फ्रंट और बैक दोनों में डिज़ाइन ऐसे रखनी है। तो दोनों की मैंने सेम कटिंग ऐसे ही कर ली है। तो अभी मैंने इसकी अस्तर की कटिंग नहीं कर ली है की है आप जानते हैं, अभी मैंने इसकी अस्तर की कटिंग नहीं की है। तो अब हम इसके अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अब अस्तर की कटिंग करने के लिए हमने जो गले पे मेन फैब्रिक काटा था वही रख के हम कटेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने मेन फैब्रिक को तैयार कर लिया है, फ्रंट और बैक का दोनों। तो अब हम इसके अस्तर की कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो मैंने सबसे पहला मेन फैब्रिक कट किया था, उसी तरीके से मैं फ्रंट और बैक दोनों का जो मतलब अस्तर का कपड़ा है उसको भी मैं काट लूँगी। तो ये मैंने फ्रंट की कटिंग कर ली है, सेम ऐसे ही मैं बैक की भी कटिंग कर लूँगी। तो जो मेरा पहला वाला पार्ट था फ्रंट वाला, वही रख के मैं
चारों पल्लों को काट लूँगी। तो मैंने फ्रंट को कट कर लिया है, वही फैब्रिक रख के मैं बैक की भी कटिंग कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैं वही फैब्रिक यूज़ करके बैक की भी कटिंग कर लूँगी। तो ये मैंने बैक की भी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे मैं टक्स पॉइंट का निशान लगाऊंगी, जिसके लिए मैं ऊपर से जो है 10.5 इंच का जो मैंने 6 इंच का गला रखा था उसको ऊपर रख दिया, और वहाँ से मैंने 10.5 इंच नापा है। यहाँ पे 3 इंच का मैं गैप रख रही हूँ, नीचे से भी 3 इंच का गैप रखूँगी और ऊपर से भी मैं 3 इंच का ही गैप रखूँगी। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर मैं सीधी लाइन खींच लूँगी, जो हमने टक्स पॉइंट का निशान लगाया था वहीं पे मैं सीधी लाइन खींच लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लाइन को खींच लिया है। अब मैं दोनों साइड से 1-1 इंच लेके जो टक्स पॉइंट हमारा होता है उसकी सिलाई करूँगी। तो मैं दोनों साइड से 1-1 इंच लूँगी। तो मैं सबसे पहले अच्छे से लाइन को खींच रही हूँ, फिर दोनों साइड से मैं लाइन बनाऊँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड से लाइन को खींच लिया है अपने अस्तर पे। तो मैं अस्तर को इसी तरीके से दूसरी साइड भी छाप लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं हाथों से अपने प्रेस कर रही हूँ ताकि हमारे दूसरे वाले अस्तर पे भी जो हमारा अस्तर है उस पे भी ये अच्छे से जो हमने टक्स पॉइंट का निशान लगाया है वो छप जाए। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा छप गया था। अब मैं इससे पे थोड़ा सा गाढ़ा कर रही हूँ खींच के ताकि मैं सिलाई करने में आसान हो। तो यहाँ पे मैंने दोनों टक्स पॉइंट पे निशान लगा लिया है। अब इसकी हम ऐसे ही स्टिचिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे ब्लाउज में ना अपने कप अटैच करना है, तो मैं एक बार अपने जो मेन फैब्रिक है अस्तर दोनों को रख के अच्छे से चेक करूँगी, और इसको मैं उसके बाद अब मैं इसमें दोनों साइड में टक्स पॉइंट का जो हमारा निशान है उस पर मैं सिलाई लगा लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये मेरा ब्लाउज कप है। तो अब हम इसमें ब्लाउज कप यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो वन डॉट वाला ब्लाउज बनता है मैं वही बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने मेन फैब्रिक पे भी सेम वैसा निशान लगा लिया है और अस्तर पे भी वैसा निशान लगा लिया है। तो ये मैंने देख सकते हैं आप जो डॉट वाला निशान था उसकी मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब मैं इसमें ब्लाउज कप अटैच करूँगी, जिसके लिए मैंने ब्लाउज कप को मोड़ लिया है। मोड़ के इसमें मैं बीचों बीच निशान लगा दूंगी। आप देख सकते हैं मैं इसमें बीचों बीच निशान लगा रही हूँ ताकि हमको सिलाई लगाने में आसान रहे। तो मैं दोनों साइड में इसमें अपने ब्लाउज कप में निशान लगा रही हूँ। तो मैं ऐसे उस दूसरे वाले में भी कर लूँगी जैसे इसमें कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं जो एकदम सिंपल साइड का है वो मेरा वो जो है वो सीधे की साइड का है, और जो एकदम एक साइड में लाइनिंग बनी होती है वो हमारा उल्टे की साइड का होता है। तो जो सीधे की साइड है हम उसी को रख के अंदर के साइड अपनी तरफ दबा के सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं मशीन पे मैं आ गई हूँ अपने जो ब्लाउज कप है उसको अटैच करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ब्लाउज को अटैच करने के लिए जो हमारा सिलाई लगाती हूँ ना उसको मैं पीछे से खटके को उठा के आगे पीछे 2-3 बार उस पर केवल सिलाई लगा लूँगी। आप देख सकते हैं मैं एक जो है एक ब्लाउज कप में सिलाई लगा लिया है मैंने। ऐसे ही सेम मैं दूसरे में भी करूँगी। तो दूसरे में भी हमको ऐसे ही निशान लगाना है जैसे मैंने पहले में किया था। तो दूसरे में भी आप देख सकते हैं मैं मोड़ के इसमें निशान लगा रही हूँ चौक से बीचों बीच। हम निशान लगाने के बाद दोनों साइड में हम निशान लगा लेंगे ताकि वो जो हमारा अच्छे से ब्लाउज कप अटैच हो। आप देख सकते हैं मैं निशान लगा रही हूँ चौक से। अब मैं ये मैंने निशान लगा लिया है। आप देख सकते हैं जो सिंपल साइड है वो हमारा आगे का साइड का है, मतलब सीधी का साइड का है। जो थोड़ा सा लाइनिंग बनी है मेरा उल्टी के साइड का है। तो उसको जो उल्टी के साइड को हम अंदर के साइड करेंगे और जो हमारा सीधे के साइड है उसको हम बाहर के साइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर जो सिंपल का साइड है मैंने उसको ऊपर रखा है और जो लाइनिंग वाला साइड है मैंने उसको नीचे किया हुआ। तो आप देख सकते हैं मैंने सिलाई इसमें लगा ली है और दोनों साइड से मैंने कप को अटैच कर लिया है। तो अब हमने आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से कप को अटैच कर लिया है। अब हमने अपने मेन फैब्रिक को लिया है और बीचों बीच वी शेप जहां हमने बनाया है वहीं पे एक हम पिन लगा देंगे ताकि हमारा गला इधर उधर ना खिसके और हम सिलाई लगा दें। तो हमने जैसे कटिंग की है वैसे ही हम सेम इसमें स्टिचिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पर स्टिचिंग कर दी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीचों बीच छोटे छोटे
कट लगा देंगे, बीच में भी लगा देंगे, साइड साइड में छोटे छोटे कट लगा देंगे, ताकि हमारा जो गला है ना पलटने के बाद फिनिशिंग से आए। तो आप देख सकते हैं मैं छोटे छोटे कट लगा रही हूँ अच्छे से। तो ये हमारा कट लग चुका है और मैंने मेन फैब्रिक को सीधी साइड कर लिया है। आप देख सकते हैं दोनों साइड का लुक मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा ब्लाउज़ कितना प्यारा अभी से ही लग रहा है। तो ये यहाँ पे मैंने अपने नेट को ले लिया है, तो नेट को मैं नीचे के साइड रख के उसके बाद जो फिनिशिंग के साइड साइड वो सिलाई लगाऊंगी उसी के साथ मैं नेट को भी अटैच कर दूंगी। आप पिन लगा के उसके बाद सिलाई लगें ताकि हमारी फिनिशिंग से सिलाई लगे। तो अभी जो हमारा डॉट का निशान है, वो जो मेन फैब्रिक का डॉट का निशान है, वो अभी उसकी हमने स्टिचिंग नहीं की है, तो उसकी हम भी स्टिचिंग कर लेंगे। साथ साथ हम जो साइड साइड में सिलाई लगानी है हमको, चारों तरफ हम उसमें सिलाई भी लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डॉट की भी सिलाई कर ली है और चारों तरफ हमने सिलाई भी लगा ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डॉट का निशान लगा के चारों तरफ सिलाई का भी निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे मैं जो है अपने गले के डिज़ाइन में अपने गले पे पट्टी लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं जो है पाइपिंग लगाने के लिए पट्टी काट रही हूँ, तो पाइपिंग लगाने के लिए हमेशा तिरछी पट्टी यूज़ करें, तो उससे पाइपिंग बहुत ही प्यारी निकल के आती है। आप देख सकते हैं जो हमारा मेन फैब्रिक का कट कपड़ा था उसी को मैं कट करके तिरछे तिरछा उसी को मैं अपने जो पाइपिंग लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं पतली वाली पाइपिंग यूज़ कर रही थी, तो ये हमारा कपड़ा मोटा था तो मुझे पतली वाली पाइपिंग अच्छी नहीं लगी। तो आप देख सकते हैं मैंने दो जो है दो पट्टी यूज़ की है इसमें, तो मैंने तिरछी पट्टी दूसरी पट्टी में मैंने तिरछी पट्टी जोड़ दिया है। तो ये हमारा जो मैं पहले पतली पतली से वो लगा रही थी पाइपिंग, तो वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं तुरंत ही उसको चेंज कर दिया। मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, आप देख रहे हैं मैं एक बार चेक किया मैंने, मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैं तुरंत ही जो है वही जो हमारा पट्टी थी वही मैं उल्टी साइड में रख के सीधी साइड में उसको पलट के और थोड़ा चौड़ा पलट के बना लिया है। तो हमारा गला बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे, तो आप देख सकते हैं मैंने इसको उल्टी साइड से सिल के सीधी की साइड पलट लिया है, ये कितना सुंदर लग रहा है। अब इस पर लेस लगाने के बाद ये और भी सुंदर लगने लगता है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है। तो अब इसमें मैं लेस लगा रही हूँ, तो लेस भी ना मैं गोल्डन कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो जो आपके साड़ी का कलर हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो आप जिस साड़ी पे आपको ये ब्लाउज़ पहनना हो वो भी कलर यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ा अलग लगेगा। मैं यहाँ पे गोल्डन कलर ही यूज़ कर सक रही हूँ ताकि मैं और भी साड़ियों पे ब्लाउज़ को यूज़ कर लूँ, इसलिए मैं गोल्डन कलर का लेस और बहुत ही पतला लगा रही हूँ। आप चाहो तो चौड़ा भी लगा लो। तो यहाँ पर मैंने गले पे और वी नेक जहाँ बनाया था वहाँ पर दोनों जगह मैंने यूज़ कर लिया है लेस को। अब नीचे हम पट्टी लगा के सिल लेंगे। तो ये मैं अस्तर का कपड़ा लेके और नीचे पट्टी को जो हमें लगाना है वो पट्टी लगा के हम अच्छे से सिल लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको सिल के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा फ्रंट तैयार हो चुका है। सेम इसी तरीके से हम बैक जो है तैयार करें। बैक में हमको ब्लाउज़ कप नहीं लगाना है, बट हमको बाकी सारे प्रोसेस बैक में भी इसी तरीके से करना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये बैक का लुक भी आप देख सकते हैं सेम वैसा है, बट ब्लाउज़ कप फ्रंट में ही लगा है, बैक में नहीं। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कि मेरा ब्लाउज़ कितना प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं उसका नेट भी कितना प्यारा लग रहा है और लेस भी अच्छी लग रही है। भले ही मैंने पतली यूज़ की है बट अच्छी लग रही है। आप चाहें तो इसमें चौड़ी लेस भी यूज़ कर सकते हैं, आप जिस तरीके से लेस चाहें उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।